लोगों के मुँह से सुना था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई चीज़, और इमेजेस एडिट का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे भी। मेरे लिहाज से अगर कोई बंदा ग्राफिक डिज़ाइन को आगे लेके चलता है, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो उसको फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ना, मैं सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का कहता हूँ, इंग्लिश बोलने वाला जो बंदा ना वो होना चाहिए। मेरा तो ख्वाब तो है कि एक छोटा मिनी NCA टाइप बनाए अपने सिटी के लिए स्पेशली। मैंने देखा है कि एज ए बिगनर 1000 रुपये में, 1200 रुपये में भी ये लोग काम कर रहे हैं। जो मुझे उस वक्त 2009-07 में पैसे मिलते थे, आज वो एक एक टास्क के भी वो जो है चार्ज करके पैसे कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे हम हमेशा ही एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेके आते हैं जो एक मोटिवेशन और इंस्पायरेशन का बायस बनती है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं अरसलान अली साहब, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की और 1200 रुपये की जॉब से ये आज महाना एवरेज जो है वो 3 लाख रुपये तक कमा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के शोबे को क्यों चूज़ किया और इस शोबे में एक्सेल करते 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 फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपनी सर्विसेज इतने लोगों तक कैसे पहुंचाई कि ये इतनी इनकम भी अर्न कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और ये सब बातें जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान अली साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने कब सोचा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को चूज़ करना है एज अ कैरियर और इसी से अर्निंग करनी है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। और मैंने बेसिकली अपना ग्राफिक डिज़ाइन का करियर 2007 से स्टार्ट किया। उस वक्त मुझे एक पैशन था और एक तरह की आप कह सकते हैं कि लोग सीख रहे थे, लोगों के मुँह से सुना था ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई चीज़, और इमेजेस एडिट का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे भी कि वो किसी का चेहरा किसी पे लगा देना, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। हाँ जी, फोटोशॉप में। तो उसको लेके मैं फर्दर गया और मार्केट में मैंने देखा कि बहुत वैरायटी का काम हो रहा है ऑलरेडी, तो मैंने उसको खुद से सीखना शुरू किया। उसके बाद 2009 में मुझे कॉलेज डेज में थोड़ा सा फील हुआ कि अब मुझे अर्निंग करनी चाहिए, घर वालों की सपोर्ट के लिए भी और ख़ुद के खर्चे वगैरह करने के लिए भी। तो मैंने एक छोटी सी फर्म है, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है, तो वहाँ पे ज्वाइन किया। उन्होंने कहा आपको 4 घंटे के लिए हम रखेंगे डेली पार्ट टाइम में और आपको 1200 रुपया दिया करेंगे। तो वहाँ से मैंने फिर अपनी जर्नी का स्टार्ट किया कि जी प्रोफेशनली इसको हम स्टार्ट करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि आजकल के दौर में जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ एक ग्राफिक डिज़ाइनर के फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनर का अभी इस वक्त जो एक हाइप बनी हुई है फ्रीलांसिंग को, मेरे लिहाज से अगर कोई बंदा ग्राफिक डिज़ाइन को आगे लेके चलता है, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो उसको फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए। सही, ठीक है, क्योंकि अभी भी लोकली जो उतना उसको पे आउट नहीं मिलता जितना इंटरनेशनल मार्केट में उसको मिलना चाहिए या मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको जैसे आपको बताया ऑलरेडी कि 1200 से कैसे मैं अब थाउजेंड ऑफ डॉलर्स कमा रहा हूँ मंथली। सो ये एक यंग बंदा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सोच रहा है या लर्न कर रहा है या उसके पास छोटी मोटी भी स्किल है, वो अपनी छोटी स्किल को भी बड़े लेवल तक लेके जा सकता है और हंड्रेड ऑफ डॉलर्स कमा सकता है इन फ्यू मंथ्स। सर, आप अपने YouTube चैनल के ज़रिए भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वो सारा क्या काम कर रहे हैं आप? बेसिकली 2017 में मैंने बुनियाद रखी थी YouTube की, और मैं एक इदारा है ईरोज़ का, उसके साथ कनेक्ट हुआ। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो यूज़र्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनको हमने ये फ्रीलांसिंग सिखाना शुरू की। तो मैंने ये फील किया कि एक ऐसा सोर्स भी होना चाहिए डिज़ाइनर्स के लिए जो कि जहाँ पर मैं उनको वो वाली चीज़ें बताऊँ जो कि मार्केट में नहीं अवेलेबल, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने अपनी 15 साल की फ्रीलांसिंग जर्नी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ख़ुद से सक्सेस हासिल की, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो एक नया जो यूज़र आता है या स्टूडेंट आता है फ्रीलांसिंग जिसने करनी है, उसको क्या मुश्किलात आ सकती हैं, मैं अपने चैनल के थ्रू वो बेसिकली शेयर करना चाह रहा। और उसके बाद अक्सर औकात मैंने देखा है कि बहुत बेसिक नॉलेज मौजूद है, तो मैंने बजाय कि वो बेसिक कोर्सेज बना के यूट्यूब पे रखूं, मैंने उसके साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स भी बताएं कि एक डिज़ाइन है आप उसको कितने लेवल तक लेके जा सकते हैं और कहाँ तक सेल कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं ग्राफिक डिज़ाइन में कि जिसका कंपटीशन कम है और आप उसको कितना सेल करके कितने हज़ार कमा सकते हैं। देर आर फ्यू स्टूडेंट जो कि $60,000 तक कमा चुके हैं इसी चैनल के थ्रू अर्न करके और छोटी मोटी स्किल सेल करके। सर, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने आपका वो डिज़ाइन एकेडमी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है वो भी देखा, उसमें आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा भी और कई मेथड बताए हुए अर्निंग के,
तो ये अर्निंग के मेथड लोगों तक पहुंचाने का, ये आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि लोगों को पता चले कि वो भी छोटे छोटे टेक्निक्स और मेथड्स को, टैक्टिक्स को लर्न करके वो अर्न कर सकें, ये आपके जहन में कैसे आया? बेसिकली 2009 में ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही बेसिक सैलरी मिल रही थी और वो तो आप कह सकते हैं कि एक पॉकेट मनी की तरह ही था। सो उस वक्त मुझे एक जस्ट ख्याल आया, दोस्त से उधार एक डिवाइस मांगी इंटरनेट की, वतीन बहुत उस वक्त लॉन्च हुआ था न्यूली और एक आप कह सकते हैं पाकिस्तान में फास्टेस्ट इंटरनेट था, ठीक है। तो उस लिहाज से मैंने ना उनसे कहा कि रिक्वेस्ट किया मुझे दो, मैंने यूज़ करना इंटरनेट। तो मेरा जो फर्स्ट वहाँ पर कीवर्ड जो मैंने ऐड किया मेन टाइटल गूगल पे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सो वहाँ पर कुछ मुझे 8-10 वेबसाइट्स मिली, जैसे 99 डिज़ाइंस है, अपवर्क है, अपवर्क पहले ओडेस्क होता था, और इस तरह ई लांस था, इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क्स मिले। मैंने उसमें बनाया, प्रोफाइल बनाई 99 डिज़ाइंस पे और पार्टिसिपेट किया, और इस तरह मैंने पहले ही मंथ $400 का एक कॉन्टेस्ट विन किया। तो वहाँ पर मुझे अब जाके जब आगे मैं खुद इस फील्ड में आया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और जो लोग मुझसे पूछते यार हमें भी बताओ, हम भी अर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक अट्रैक्टिव चीज़ बन जाती है कि जब आप देखें कि एक बंदे ने अपनी कंडीशन चेंज कर ली, तो वो हालात चेंज हो गया अचानक से, तो वो लोग पूछते हैं। तो उस चीज़ को मैंने देखा कि जो बिगिनर्स अब आ रहे हैं फील्ड में, उनको है नहीं आइडिया, ठीक है, वो किस किस तरीके से अर्न कर सकते हैं स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो फिर इस वजह से मैंने चैनल के मोस्टली टॉपिक्स जो हैं मेरे पैसिव इनकम के बारे में होते हैं, कि आप जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स भी हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे क्रिएटिव मार्केट है, ग्राफिक रिवर डॉट नेट है, और फ्री पिक है, इस तरह की और भी बहुत सारी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई हैं, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑडियंस को बता रहा हूँ कि ये देखो अगर फ्रीलांसिंग में कंपटीशन ज़्यादा है, एक हाइप जनरेट हुई है इस वक्त, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, हर इंस्टीट्यूट फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर रहा है, तो अगर आप वहाँ पर आपको उतनी विनिंग नहीं जा रही, तो आप जो हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर ट्राई करें कि आप अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर वहाँ पर लिस्ट करें, कस्टमर हैं उनके पास, मिलियंस की तादाद में व्यूज़ आते हैं, कस्टमर्स हैं आपकी प्रोडक्ट बाय करते हैं, और ये एक वन टाइम नहीं होता, ये रेकरिंग काम चल रहा होता है कि एक प्रोडक्ट है, मतलब एक लोगो है, वो वी कैन सेल इट वन टाइम, वी कैन सेल इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। अच्छा, ठीक है, मतलब एक लोगो आपने बेचा है, वो अपना कमीशन रखेंगे 50% फॉर एग्जांपल, और वो $30 का आपने प्रोडक्ट रखा, 15 आपको मिले, 15 तो वो एक लोगो बार बार बिकता रहता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, या एक कार्ड है छोटा जिसका मैंने $6 प्राइस रखी और वो 3,000 दफ़ा जो है वो सेल हो चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ एक छोटी प्रोडक्ट से कितनी ज़्यादा अर्निंग हुई है इन वेबसाइट से। सर, फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? ना, मैं सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का कहता हूँ, इंग्लिश बोलने वाला जो बंदा है ना वो होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम जो कस्टमर्स करते हैं वो अमेरिका और इस तरह के कंट्रीज जो वेस्ट में हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के जो क्लाइंट्स हैं वाकई इंग्लिश में बात करते हैं। सो हम एज ए नेशन, इवन माई सेल्फ, स्टार्ट में हम थोड़ा सा हेजिटेट फील करते थे, अगर वो बाय चांस कह रहे थे आओ स्काइप पे बात करें, तो एक तरह से वो रोक आप जाती थी कि अब इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक से बहुत आपको मैटर करती है, इंग्लिश आनी चाहिए, उसके अलावा द वे यू कैन हैंडल द कस्टमर क्वेरी, वो भी कम्युनिकेशन में आती है कि वो आपसे क्या मांग रहा है, कैसी डिस्क्रिप्शन है, और आप किस तरह उस प्रोजेक्ट को समझते हैं, और किस तरह आप उसको बाकायदा डील करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को समझ लें या उस प्रोजेक्ट को समझ लें, और कितनी आप डेप्थ में जाते हैं उसको, ताकि आपको पेमेंट डिसाइड करने में और डेज डिसाइड करने में कि इतने दिन में मैं डिलीवर कर दूंगा ऑर्डर या प्रोजेक्ट, तो वो चीज़ है। सेकेंड नंबर पर पोर्टफोलियो की बहुत कमी है, ऐसे बिगनर कोई गाइड नहीं करता कि आप जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, तो वो मैंने देखा है अक्सर कि बिगनर को ये लगता है कि प्रोफाइल बनाऊँगा और काम मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप काम दिखाते हैं तो आपको काम मिलता है, जैसे हम कोई भी फ्रूट लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनकी टोकरी में फ्रूट पड़ा देखते हैं, तो ही हम उनसे डिमांड करते हैं कि ये वाला फ्रूट हमें चाहिए। सो उसी की एग्जांपल हम ऑनलाइन भी है कि पोर्टफोलियो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसके अलावा जी आपके पास जो है जब दिखाएंगे कस्टमर को, फिर वो पिक करते हैं कि यस ये काबिल है, इसको पिक करते हैं और आपको हायर करते हैं। सर, आप अभी करंटली किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के अलावा, और आप क्या क्या कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल के अलावा मैं एक एकेडमी रन कर रहा हूँ, ऑनलाइन ही है फिलहाल, फिजिकल ट्राई किया था बट कोरोना की वजह से जो है थोड़ा सा उसको हमने डिसीजन वापस ले लिया। दूसरे नंबर पर मेरा एक छोटा स्टूडियो है जिसमें मैं ग्राफिक डिज़ाइन की लोकली भी सर्विस दे रहा हूँ, इंटरनेशनली भी दे रहा हूँ। और थर्ड नंबर पर मेरी एक छोटी सी मार्केट प्लेस भी है जिसमें मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स खुद से सेल कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट बनाकर। उसकी रीज़न है कि कमीशन से बचने से, जितने भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स है वो 20% से कमीशन स्टार्ट करते हैं,
तो सेव दैट 20% कमीशन, तो मैंने सोचा कि अपना प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लेना चाहिए। सर, आपने अपने YouTube चैनल पे अर्निंग मेथड्स काफ़ी ज़्यादा बताए हुए, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए कोई 2-3 आसान अर्निंग मेथड्स YouTube के ज़रिए या फ्रीलांसिंग के ज़रिए, YouTube के ज़रिए तो ऑफ कोर्स वो वीडियोस के ज़रिए ही होगा, लेकिन फ्रीलांसिंग जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कोई इसमें और भी कोई डोमेन्स हैं जिससे आसानी से पैसिव अर्निंग जनरेट वो कैसे की जा सकती? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक तो फ्रीलांसिंग है, ठीक है, जैसे फाइवर के ऊपर आप डिफरेंट 7 गिग्स लिस्ट कर सकते हैं एज ए न्यू सेलर, तो वहाँ पर आप छोटे मोटे स्किल जैसे बैकग्राउंड रिमूवल है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन AI सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको एक क्लिक पे बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, Adobe का अपना भी है, उसके थ्रू आप अपनी सेल कर सकते हैं सर्विसेज यही वाली, ठीक है। अगर आपको शौक है, और कैनवा जैसे ऐप्स हैं जैसे, और क्रेलो जैसे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन ही ग्राफिक डिज़ाइन के लिए टेम्पलेट्स भी दे देते हैं, और आप उसको क्लिक ड्रैग करके अपने छोटे मोटे बैनर्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो कि सोशल मीडिया के पूरी कंपेन्स डिज़ाइन करवा रहे होते हैं, तो उस तरह के हम उनको सहूलत प्रोवाइड कर सकते हैं, वो चीज़ सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा फ्री पिक जैसी वेबसाइट्स हैं, अगर आपको चीज़ें अच्छी बनाना आती हैं, टेम्पलेट्स अच्छे बना लेते हैं, फ्लायर्स हो गया, ब्रोशर्स हो गया, तो आप 10 रिसोर्सेज 20 रिसोर्सेज का एक पैक बना के उनको सबमिट करवाते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, फ्री पिक ओपन करें, टॉप राइट कॉर्नर पर सेल योर कॉन्टेंट का ऑप्शन आता है, क्लिक करके फॉर्म फिल करें, आपका ओपन हो जाएगी शॉप, आपने अपनी 20 आइटम सबमिट करवानी, वो अप्रूवल के लिए जाएंगे, जो भी अप्रूव होगी वहाँ पर रह जाएगी, और बाकी रिजेक्टेड जो है वो आपके पास रहेगा, ठीक है, वो आप दूसरी वेबसाइट्स पर यूज़ कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, ऐसी हज़ारों वेबसाइट्स हैं, लॉन्च भी हो रही हैं, हंड्रेड्स ऑफ जो हैं वो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं और आपको ये चीज़ प्रोवाइड करें। मैं थोड़ी सी जो पॉपुलर है वो आपको बता देता हूँ, जिसमें creativemarket.com है वन ऑफ माई फेवरेट, और जो कि 60-40 कमीशन रखती है, 60% आपको देगी आपके प्रोडक्ट जब सेल कराएंगे वो, 40% वो खुद रखते हैं। ग्राफिक रिवर है, वो 50-50 से स्टार्ट करते हैं और 70% तक जाते हैं। इसी तरह फ्री पिक है, शटर स्टॉक है, अडोबी स्टॉक है, और क्रिएटिव फैब्रिका है, और द हंगरी JPEG है, और इसके अलावा जी crelo.net है। तो ये वाली जो वेबसाइट्स हैं, ये आपको वो पैसिव इनकम वाला आइडिया कि आप सोए भी होंगे, आपकी प्रोडक्ट 400-500 प्रोडक्ट्स बना के रखें, यू कैन अर्न लाइक $700 to $800 पर मंथ अगर आप इन सब के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट करते हैं। और मजे की बात यह है कि आपने सिंगल टाइम प्रोडक्ट बनानी होती है, मतलब 400 आइटम्स बना लिया आपने, इन सब के ऊपर आप लिस्ट कर सकते हैं, और इन सब से आपकी अर्निंग जो है वो जनरेट हो सकती है। सर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर में आप कोई ऐसा इदारा बनाना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकें अर्निंग के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, ऐसा कोई ख्वाब आपके जहन में? हाँ जी, मैं मेरा तो ख्वाब तो है कि एक छोटा मिनी NCA टाइप बनाएं अपने सिटी के लिए, स्पेशली कि छोटे सिटीज़ में इस तरह की चीज़ कमी है, कोई अगर कोई स्टूडेंट है वो पढ़ना चाहे आर्ट्स या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो उनको जहाँ पे आना पड़ता है मौका उनको मिलता नहीं है प्रॉपरली, तो उस तरह का एक छोटा सा सेटअप या छोटा सा आप कह सकते हैं कि अकेडमी टाइप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह प्लान है, और इन फ्यूचर आप देखेंगे भी इंशाल्लाह। सर, आखिर में मैं फिर आपसे एक दफ़ा ये पूछूंगा कि सबसे आसान काम, अगर कोई ऐसा शख्स है जो अभी इस वक्त हमारा इंटरव्यू देख रहा है और वो चाह रहा है कि कोई आसान तरीके से ना मैं बस अर्निंग शुरू कर दूँ, तो उसके लिए फर्स्ट जो है वो स्टेप क्या है? अगर तो सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहा है तो आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप सीख लें ऑनलाइन यूजर्स के लिए, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। आप बड़ा यूट्यूब चैनल से भी हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल, मेरे चैनल पे ये प्लेलिस्ट मौजूद है, मैंने हर चीज़ कवर की है कि आप कैसे कर सकते हैं। और इससे भी बेसिक है कि आप सिर्फ एक स्किल जिसे फोटो रीटचिंग कहते हैं, बैकग्राउंड रिमूवल करना, बैकग्राउंड रिमूव करना, या आपके स्किन के ऊपर कोई दाग है तो उसको रिमूव करना, या कपड़ों पे कोई जेब कटी हुई आ गई तो इसकी सर्विसेज लेते हैं, इसकी सर्विसेज लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं जी। उसकी रीज़न है कि उन्होंने अपने बैनर्स के ऊपर अपना फोटो लगवाना, पॉडकास्ट कवर आर्ट के ऊपर लगवाना, ठीक है, यूट्यूब के थंबनेल्स के ऊपर लगवाना, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, तो वो लोकेशन के लिहाज से फिर उनको बैकग्राउंड रिमूवल करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो इन डिमांड है काफ़ी स्किल, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव भी है, लेकिन ये कि अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको फिर अर्निंग भी आना शुरू हो जाती है इसके थ्रू। और इसके अलावा यूट्यूब के ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही होती है कि आप, मैंने देखा है कि एज ए बिगनर 1000 रुपये में, 1200 रुपये में भी ये लोग काम कर रहे हैं, यानी जो मुझे उस वक्त 2009-07 में पैसे मिलते थे, आज वो एक एक टास्क के, छोटा टास्क बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, उसकी स्किन को वाइट कर दिया, स्किन को सॉफ्ट कर दिया, इस टास्क के भी वो जो है चार्ज करके पैसे कमा रहे हैं। सर, आप माशाल्लाह एक बाकायदा सक्सेस स्टोरी है और मोटिवेशन है बहुत सारे यूथ के लिए जो लोग अभी काम करना चाहते हैं अर्निंग के हवाले से भी, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स के हवाले से भी। तो सर, मुझे ये बताइएगा कि आप उनको क्या सजेशंस देंगे, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, किस फॉर्मूले पर अमल करें? कंसिस्टेंसी
है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा। मैं किसी भी प्रोजेक्ट को जब पकड़ता हूँ या कोई भी काम, तो मैं उस वक्त तक लेकर जब तक मुझे उसमें से कोई आउटपुट मिलना नहीं शुरू हो जाती। मैंने बिगिनर्स में यही सबसे ज़्यादा देखा है कि वो एक चीज़ पे फोकस नहीं रहते, उनको जहाँ से जो वर्ड्स मिलते हैं उसी पे वो रखते हैं कि इस बंदे ने कहा है जी बैकग्राउंड रिमूवल सीख लें, तो वहाँ पे चले गए। फिर हमने क्रिएटिविटी नहीं लाते, हाँ जी क्रिएटिविटी नहीं लाते। दूसरे बंदे की वीडियो देखी, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें अब बिज़नेस कार्ड सीखना शुरू कर दें। ठीक, बिज़नेस कार्ड कैसे, तो वो उन्होंने वो सीखना शुरू कर दिया, तो बीच में वो भी छोड़ दी, वो भी प्रॉपर नहीं सीखा, तो इसलिए वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। सो इसमें कंसिस्टेंसी और फोकस रहे अगर, तो हमारी फ्रीलांसिंग भी चमकेगी और जो भी वेबसाइट्स आप खुद भी बना रहे हैं या किसी भी और वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ लेके जाता है। सर, कासिम अली शाह साहब और उनकी फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन मिलती है उनकी स्टोरी सुन के, उनकी वीडियोस देख के। और मेरे लिहाज से यूथ के लिए ऐसी पर्सनैलिटीज़ और होनी चाहिए पाकिस्तान में कि ऐसा जो काम कर रहे हैं इदारे और स्पेशली कासिम अली शाह साहब, ठीक है, ताकि यूथ मोटिवेटेड रहे। इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है, इस वक्त तो आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो मोटिवेट रहे, काम करे, स्किल सीखे, और आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। थैंक यू सो मच अरसलान अली साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इसके साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी अर्निंग के हवाले से, यूट्यूब चैनल के हवाले से और किस किस तरह से लोग काम कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।